तो आज मैं परवल की बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप शादी और पार्टियों में खाते हैं ना, बिल्कुल उसका स्वाद आपको घर में मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। हेलो दोस्तों, आरएसपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं परवल की बहुत ही लाजवाब रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे बड़े और बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ताजी 1/2 kg परवल ले लिया है। तो अब हम परवल के दोनों साइड काट कर निकाल देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे परवल के हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे परवल के साइड को निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से छील लेंगे। वैसे तो मैंने इस परवल को अच्छे से धुल कर ही लिया है, लेकिन एक बार इसे छीलने के बाद हमें फिर से धुल लेना है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसको अच्छे से तो हम छीलेंगे, यानी ऊपर से क्रश कर लेंगे। हमें इसका मोटा वाला छिलका नहीं उतारना है। ऊपर से देखिए, जैसे मैंने इसे छीला है, बिल्कुल इसी तरीके से छीलकर तैयार कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके सेंटर में कट लगाएंगे और इसके अंदर का सारा गुद्दा हम निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, परवल को 2 पीस में नहीं करना है, बस बीच से फाड़ कर इसके अंदर का गुद्दा निकाल कर साइड में रखते जाना है। तो चलिए, सारे परवल को हम बिल्कुल इसी तरीके से काट कर गुद्दे को निकाल लेंगे। तो मैंने आपको अभी चम्मच से भी निकाल कर इसे दिखाया है, बहुत आसानी से चम्मच या चक्कू दोनों से निकल जाता है। तो फाइनली हमने इसे अच्छे से काट कर सारे बीज को अलग कर दिया है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 tablespoon तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 teaspoon जीरा डालेंगे और जीरे को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा क्रैकल हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो अब हम इसमें 300 ग्राम प्याज को अच्छे से काट कर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने खूब सारा प्याज लिया है और इसे छील कर अच्छे से काट लिया है। मैंने बिल्कुल बारीक नहीं काटा है और ना ही इसे बहुत मोटा रखा है, बिल्कुल कटिंग मीडियम रखा है। जैसे हम सब्जियों के लिए काटते हैं प्याज को, बिल्कुल उसी तरीके से इसे काट कर तैयार कर लेना है। इसके बाद इसे भी हम कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भुना है। इसके बाद कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 teaspoon धनिया पाउडर और 1/2 teaspoon जीरा पाउडर डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 teaspoon लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसके जगह पर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मसालों को डालने के बाद चलाते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो लगभग मैंने इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूना है और ये अच्छे से भून चुका है। तो आइए अब हम इसमें डाल लेते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये हरी मिर्च थोड़ी पकी हुई थी, इस वजह से हरा कलर नहीं आया है। अब हम इसे डालकर अच्छे से चलाएंगे और चलाते हुए इसका कच्चापन खत्म होने तक भून लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो सिर्फ अदरक लहसुन का जो मार्केट में पेस्ट आता है ना, उसे या फिर सिर्फ अदरक लहसुन को अच्छे से कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। फिर हम जो गुद्दा निकाल कर रखे हुए थे, वो सारे गुद्दे इस मसाले में डाल देंगे और डालकर अच्छे से चलाते हुए इसे मसालों के साथ पकाएंगे, तो ये अच्छे से और जल्दी गल जाए। इसके लिए इसी टाइम पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर चला लेंगे और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो फाइनली हमने इसे ढककर अच्छे से पका लिया है। तो इसी टाइम पे हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज, जिससे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ बेसन। मैंने यहाँ 2 tablespoon भुना हुआ बेसन लिया है और इसमें डालकर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे। बेसन आया है तो साथ में हींग आएगा ही, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और खाने का स्वाद भी बढ़ा देता है। तो इसे अच्छे से हम चलाते हुए भूनेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon पानी और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 teaspoon आमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ 1 teaspoon नींबू का रस
या फिर 1 टीस्पून चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फाइनली स्टफिंग बनकर तैयार हो चुका है। गैस को करेंगे ऑफ और इसे थाली में निकालकर ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम इसे परवल के अंदर भर लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो एक बार आप बिल्कुल इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो आइए सारे हम परवल को इसी तरीके से भरकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारे परवल को मैंने भरकर तैयार कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लेंगे वही कढ़ाई जिसमें की ग्रेवी बनाया हुआ था। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल और इसके बाद इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। और तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम धीरे धीरे करके भरे हुए परवल को इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी सपोर्ट हमें मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और भरे हुए परवल को अच्छे से उलट पुलट कर ढक कर सेक लेना है। तो मैंने इसे उलट पुलट कर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भुना है और एक बार 2 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाया भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बैच का भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से भून कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा दूसरा बैच भी अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है। तो इसे अब निकाल लेंगे और वापस आइए देख लेते हैं क्या करना है। फिर जो बचा हुआ तेल है इसी में अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज और इसे अच्छे से हम हल्का ब्राउन होने तक चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को 30 से 40 सेकेंड के लिए चलाते हुए भूनेंगे। फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखेंगे नमक हमने पहले परवल में भी डाला हुआ है, यानी कि परवल की ग्रेवी को बनाते हुए परवल की ग्रेवी में भी हमने नमक डाले हुए थे, तो उसी हिसाब से इधर हम ग्रेवी में नमक डालेंगे। तो नमक डालने के बाद हमने हल्का ब्राउन होने तक प्याज को भून लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मैंने 1/2 स्पून वाला स्पून लिया है, इसलिए धनिया पाउडर 2 बार डाला है, यानी 1 टेबल स्पून। मसालों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। बहुत कम तेल में मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। फिर मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे भी इसमें डाल देंगे और अदरक लहसुन हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसे भून लेंगे। तो यहाँ अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। दोस्तों, 2 टमाटर को मैंने काट कर मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था और इसका एक पेस्ट बनाकर पहले ही रख दिया था। इसे ही डालेंगे और डालकर अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। साथ ही डालेंगे नमक। तो नमक हमने बिल्कुल थोड़ा सा पहले डाला था ताकि प्याज अच्छे से जल्दी से गल जाए। तो अब हम अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी चाहिए, कितनी पतली, उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। इसके बाद ढक कर ग्रेवी को पका लेंगे। तो 1 मिनट के लिए ग्रेवी को मैंने ढक कर पकाया है और ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है, देखने में ये कितना टेस्टी दिख रहा है। अब हम इसमें तैयार किए गए परवल को डालेंगे और इसे ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा भरवा परवल मसाला तैयार हो चुका है। देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है, खाने में कहीं इससे ज़्यादा भी टेस्टी है।
तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, आप ही बनाइए, खाइए रोटी पराठा, जैसे भी चाहें इसे इंजॉय कीजिए, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे भी टिफिन फिनिश करके आएंगे। ये मिलते हैं किसी ऐसे ही नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।